अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस एनईटी 2 की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूईटी के ईकैट टेस्ट की या एनटीएस नेट की, तो 20 दिसंबर से हमारा बैच 3 स्टार्ट हो रहा है। इसमें बड़ी कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जानी है, बहुत थोड़ी सीट्स रह चुकी हैं। आप लोग इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको एजुकेशनल अपडेट्स उसी चैनल के थ्रू मिलेंगी। अभी आप लोगों के साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के शेयर करने हैं जो नस्ट एनईटी 1 में आए हैं, ये जो अभी नस्ट एनईटी 1 सीरीज हुई है। पहला क्वेश्चन है 0.99 to raise 5। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसको तीन टर्म्स तक बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी है, तो आप लोगों को मैं इसका तरीका कर बता देता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं 0.99 को लिख सकते हैं 1 - 0.01, तो ये बेसिकली 0.99 होता है और इसकी पावर 5 है। आगे आप लोगों ने इसको तीन टर्म तक एक्सपेंड कर देना है, ये एक्सपेंशन हुई हुई है, आप लोगों ने इसको देख लेना। और सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों ने एक और क्वेश्चन 1 - 5x की पावर 4, इसकी भी एक्सपेंशन कर लेनी है 3 टर्म्स तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है 4 men और 5 women है, आप लोगों ने कमेटी बनानी है 5 people की, और वो उस तरह से 5 people की कमेटी हो कि उनमें एटलीस्ट 1 man हो। एटलीस्ट 1 man का मतलब होता है कि कम से कम एक आदमी और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द कमेटी बी फॉर्म, तो इसका तरीका कार ये होता है, आप लोगों को पता है कि टोटल अब 9% है, क्योंकि 4 men और 5 women टोटल 9 है, तो 9 में से अगर हमने 5 members की कमेटी बनानी है तो टोटल कितने वेज हो सकते हैं, 9c5 आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और इसी तरह अब अगर हम ऐसा केस रखें कि जिनमें मेन ना हो, तो वो टोटल हमने 5 members की कमेटी बनानी है, तो सारी की सारी अगर हम वुमेन उस कमेटी में शामिल करते हैं तो 5c5 वो कर लें। अब आप लोग ये देखें कि 9 members की कमेटी में, 9 members में से 5 members की कमेटी बनाने के जो टोटल वेज थे उसमें से माइनस कर दें आप, अगर हम जो सारी की सारी वुमेन वाला केस था जो कि 5 members वुमेन हो, तो बाकी रिमेनिंग आपके पास वही केस आ जाएगा कि एटलीस्ट 1 man और उससे ज्यादा भी, तो आप इसका आंसर 126 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, माइनस करेंगे तो 125। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों ने मैंने सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया, इसको आप लोगों ने केयरफुली देख लेना है। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, 7 men है और 4 women है एक कमेटी के अंदर, आप लोगों ने 5 members की कमेटी बनानी है। द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 women। अब आप लोगों ने ये जो 5 members बनानी है इसमें एटलीस्ट 2 women होनी चाहिए, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी 5 भी, 2 से ज्यादा भी मतलब। तो अगेन उसी तरह आप देखें, ये मैंने आपके सामने इसका सोल्यूशन रख दिया है। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एटलीस्ट 2 women रखें तो 7 men 3 रखने पड़ेंगे, और उसी तरह आप वुमेन 3 भी ले सकते हैं, 4 भी उसमें शामिल हो सकती है, तो डेफिनेटली जब 3 women होंगे तो मैन 2 हो जाएंगे, 4 women होंगे तो मैन 1 हो जाएगा, टोटल हमारे पास मेंबर्स जो है वो कमेटी के 5 होने चाहिए। तो अब नंबर ऑफ वेज आप देख सकते हैं, 3 men हमने सेलेक्ट करने आउट ऑफ 7, तो 7c3 होगा, सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। 7 हमने 2 women भी सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 4, तो वो 4c2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की सिलेक्शन करनी है मैन और वुमन की, जब दोनों का हम साइमल्टेनियसली करने हो तो मल्टीप्लाई इनको करेंगे, तो वो 2 10 बनेगा। इसी तरह अब उसने एटलीस्ट 2 women कहा था, तो 3 भी हम वुमन हो सकती है कमेटी में और 2 men, तो 3 women सिलेक्ट करने का तरीका है 4c3, यानी 3 women 4 में से कैसे सिलेक्ट होंगे 4c3, और 2 men कैसे सिलेक्ट होंगे आउट ऑफ 7 7c2, तो दोनों की सिलेक्शन करनी है, मल्टीप्लाई करें 84। इसी तरह 4 women होंगी तो 1 man होगा, 1 man सिलेक्ट करना है 7 में से तो 7c1, और इसी तरह 4 women सिलेक्ट करनी है 4 women में से तो 4c1, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 7। अब टोटल बेस के लिए आप इन तमाम के आंसर को ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा, तो जो वो हमारे पास 301 आएगा। अब इसी तरह आप लोगों को ये एक सर्कल नजर आ रहा है और उसके अंदर एक स्क्वायर है, तो हम लोगों ने एरिया स्क्वायर का निकालना है, तो अब हमें पता है कि इसका रेडियस 4 है। अगर आप लोग देखें तो सर्कल का सेंटर इस जगह पे होगा, और इधर से लेकर अगर मैं इस कॉर्नर तक सर्कल तक जाऊं तो ये एक रेडियस होगा और ये दूसरा रेडियस होगा, तो अगर मैं टोटल इस सर्कल का डायमीटर देखूं तो ये मेरे पास 8 बन जाएगा, क्योंकि ये रेडियस का डबल होता है। अब ये वाली एक लाइन मुझे नहीं पता, ये वाली इस लाइन का नहीं पता, तो इसको मैं एक्स कह लेता हूं, क्योंकि सेंटर तो इधर होगा ना, तो इसको नहीं नीचे वाली लाइन को रेडियस समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर नहीं है वो ऊपर है, तो एक ये वाली हमें नहीं साइड पता स्क्वायर की, इसको मैं एक्स कह लेता हूँ, और दूसरी साइड भी नहीं पता, इसको भी मैं एक्स कह लेता हूँ। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है यहाँ ये एक राइट ट्राइंगल बन चुकी है और इस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहां से आप लोग देखेंगे x स्क्वायर में इस बार 32 आएगा, और बेसिकली दो साइड्स की मल्टीप्लिकेशन ही मेरे पास एरिया होता है स्क्वायर का, तो यूं आप देख सकते हैं 32। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी नस्ट में आता है कि स्क्वायर के अंदर 4 circles होते हैं,
तो अब आप लोग देखें वो ये कह रहा है कि फोर सर्कल ऑफ इक्वल साइज आर इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर चार सर्कल है, इनसाइड ऑफ द फोर सर्कल एक स्मॉलर स्क्वायर होता है, चार सर्कल के दरमियान में ये जो एरिया ये बेसिकली एक स्मॉलर स्क्वायर होता है। अब वो कहते हैं लार्जर स्क्वायर की एक साइड अगर फोर की है तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर हमने ये वाला निकालना है। तो अगर मैं अगर आपको देखूं तो ये देखें अगर आप यहां तक एक रेडियस है सर्कल का, ये दूसरा रेडियस है और इसी तरह ये आगे दूसरे सर्कल का रेडियस, तो ये टोटल चार रेडियस बन रहे हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे यहां से, तो अब मैं आप लोगों को जो समझाता हूँ आप लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है। इधर आप इस सर्कल से इधर तक का देखें तो ये एक रेडियस बनेगा, अभी ये दरमियान वाली लेंथ हमें नहीं पता, और इधर से लेके इधर तक ये हमारे पास दूसरा रेडियस बनेगा, सर्कल का रेडियस वन है तो ये भी वन बनेगा, ये भी वन बनेगा, तो ये हाइपोटेन्यूस हमारे पास टू प्लस ये वाली साइड हमें नहीं पता स्क्वायर की, इसको हम एक्स कह लेते हैं, तो टू प्लस एक्स बन गई। अब इसी तरह ये सर्कल का इधर से इधर तक का रेडियस वन है और इधर से इधर तक का भी रेडियस वन है, तो ये बेस वाली साइड टू बनेगी और ये जो इसका परपेंडिकुलर है हमारे पास ये भी टू बनेगा। तो हमने एक राइट ट्राइंगल जनरेट कर ली इनके सेंटर्स की मदद से। तो आप अगर मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ये टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ये एट का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास, यानी टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ये हमारे पास फोर प्लस फोर एट बनेगा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। और जब मैं रूट लूंगा एट का रूट मेरे पास आ जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय टू, एट को लिख सकते हैं तो टू इंटू टू रूट, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस की लेंथ आएगी। अब अगर इस हाइपोटेन्यूस को आप देखें तो ये वन ये है वन ये टोटल टू प्लस एक्स, तो टू प्लस एक्स की इक्वल ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ आई थी इसकी इक्वल हम रखेंगे। तो यहां से आप लोग एक्स को निकाल लें, एक्स को सेपरेट करें, टू उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आप लोगों ने अगर इस अब हमें पता चल गया कि एक्स वाली साइड हमें ये एक पता चल चुकी है, तो स्क्वायर का हमें पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं, एक्स इंटू एक्स होता है, तो उसका आप स्क्वायर कर दें, सिंपल फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करें तो ये आंसर आएगा। तो सिंपल अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन कभी याद है तो आपने सेंटर्स की मदद से एक राइट ट्राइंगल बना लेनी है और जैसे ये बेस टू था ये भी टू था, हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकालें और फिर लॉजिक यूज करें ये वन ये भी वन, अंदर एक्स ऐड करें तो उस जो आपने लेंथ निकाली होगी जो कि टू इंटू टू रूट है, इसको टू प्लस एक्स इक्वल रखें, वहां से एक्स निकाल लें और जब एक्स आ गया तो दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो एरिया आ जाएगा स्मॉलर स्क्वायर का। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है, जैसे कि क्वाड्रिलेटर्स क्या होती है जिसकी फोर साइड्स होती हैं और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्वाड्रिलेटर का इस तरह इस शॉर्टकट से निकलता है, उसके बाद स्क्वायर क्या होता है ये भी पढ़ना है, रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें से एमसीक्यूज आए हुए हैं। रोम्बस को देखें आप लोग और यहाँ से आप देख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं रोम्बस के अंदर, ये एमसीक्यूज आता है, पैरेललोग्राम पढ़े, ट्रेपेजियम काइट्री, मैंने सारा आपके लिए लिख दिया है। अब इस एमसीक्यूज को आपने देख लेना है, इस टाइप का एक एमसीक्यूज आया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिले तो ये आप लोगों ने देख लेना, अगर किसी बच्चे को पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दें। अब एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ पूछी गई थी, इसको भी आप लोगों ने एक्जैक्टली याद रखना है। इसी तरह व्हाट इज द इक्वेशन विद स्लोप माइनस थ्री, तो इनमें से देख ले किसका स्लोप माइनस थ्री है, तो वो अल्फा ऑप्शन का मैंने निकाल दिया, तो यही राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखें, फाइंड द इनवर्स ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के ये सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लिख दिया, एफ एक्स बेसिकली वाई होता है, इसको वाई के इक्वल रखे, माइनस थ्री लेफ्ट साइड पे जाके वाई के अंदर प्लस थ्री हो जाएगा, एल एन एक्स प्लस टू इक्वल टू वाई प्लस थ्री हो गया, एल एन खत्म करने के लिए जो कुछ भी राइट साइड पे होगा ये ए की पावर बन जाएगा। तो यहां से अब आप लोग देख सकते हैं जब इनवर्स निकालना है तो एक्स और वाई की जगह बदल दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आगे ये देखें, फोर माइनस एक्स रूट के अंदर इसकी डोमेन निकालनी है, तो उसका क्या तरीकाकार होता है, जो कुछ भी डोमेन के अंदर है आप लोगों ने उसको जो कुछ भी इधर रूट के अंदर उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखें, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं है, पुट करके नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए। तो यहां से आप लोगों ने अब एक्स निकाल लेना, ये फोर माइनस एक्स राइट साइड पे जो है फोर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बनेगा, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू फोर बनेगा, तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी डोमेन आएगी कि आप इस रूट के अंदर एक्स की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर लेस देन इक्वल टू फोर प्लग इन कर सकते हैं, तब आपके पास ये जो रूट के अंदर नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं आएगा। इसी तरह पीरियड हमने निकालना है, अगर कोस के अंदर कोई भी यानी एंगल के अंदर कोई भी अगर नंबर प्लस माइनस हो रहा है वो पीरियड पे इंपैक्ट नहीं डालता, हाँ एक्स एंगल के साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पीरियड से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे एक्स के साथ सेवन मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस का पीरियड टू पाई होता है तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा सेवन से, तो टू पाई ओवर सेवन इसका पीरियड है। अब आगे अगर आप देखें तो एम्प्टी इज एन एम्प्टी सेट जो होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट अपने आप के ही होता है, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये जीरो होता है, मैंने इसकी रीजन भी लिख दी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, तो ये बीटा ऑप्शन को आपने चेक कर लेना है। एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका नोमिनेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसी तरह एक और इसको अब आप लोगों ने चेक कर लेना। अब इसके भी ऑप्शन मुझे सही एग्जैक्टली नहीं मालूम, अगर आपको आइडिया हो गया कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ट्रू होता है 45 डिग्री पे, दोनों की वैल्यूज इक्वल होती है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर इन बिटवीन 30 एंड 300, तो 30 और 300 के दरमियान 7 की ये मल्टीपल लिखे। आखिरी वाले 7 का मल्टीपल 294 होगा 300 से पहले, और 30 के बाद 60 होंगे 35 से। टोटल नंबर्स निकालने हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो n कैसे निकलेगा? लास्ट वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करें, डिवाइड करें कॉमन डिफरेंस, और इसके अंदर प्लस 1 कर दें। तो ये शॉर्टकट होता है हमारे पास n निकालने का, जो कि 38 आएगा। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने इसका निकालना है, तो इसका भी एक तरीकाकार होता है। ये देखें, आप लोगों ने जो कुछ भी डिनोमिनेटर में इसका कंजुगेट करके लिखे, और फिर डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसका मॉडुलस लेके उसका स्क्वायर कर दें, आप सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों ने खुद निकाल लेना है। अब एक ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स गिवन है, तो उसके अंदर वो कहता है रेडियस ऑफ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल, तो इसका शॉर्टकट ये होता है सर्कल ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल निकालने के लिए। पहले आप साइड्स पे देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। तो अब ये रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल का शॉर्टकट है कि बेस के अंदर परपेंडिकुलर ऐड करके उसमें से हाइपोटेन्यूस माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो यहां से आप देख लें कि बेस 18 है, हमारे पास परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेन्यूस माइनस करें तो 3 आएगा। तो ये काफी दफा नस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये इस शॉर्टकट से आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा। ये tan 30 की आप लोग ये जो टेबल है ना, साइन कोज और टैन वाले, इनकी वैल्यूज पॉइंट्स में भी याद रखेंगे। डेल्टा इसका राइट आंसर है। व्हाट आर द नेक्स्ट 3 टर्म, तो इसमें आप देख लें 4 और 16 में पहले कितना डिफरेंस है 12 का, फिर 12 में 8 ऐड करेंगे तो फिर 16 से 36 में 20 का कॉमन डिफरेंस है। तो इसी तरह 8 कॉमन डिफरेंस में आपने बढ़ाते जाना है, तो ये आप लोगों ने इसकी रीजन देख लेनी है। अल्फा इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द लाइन बताना है जो बाइसेक्ट करती है एंगल को सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऐसी लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करती है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो 135 डिग्री का एंगल बनाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये आपके सामने है, tan 135 करेंगे तो -1 आएगा। तो इसी तरह अब इसमें भी उसने स्लोप ही पूछा था, जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को, तो वो -1 नहीं आता, जो मैंने आपको बता दिया है। एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट की, उसका मास 6 टाइम्स हो, रेडियस 2 टाइम्स हो जाए, तो दोज ऑफ अर्थ तो वो कितनी होगी। तो ये मैंने आपके सामने इसकी कैलकुलेशन शो कर दी है। मास अगर प्लैनेट का 6 टाइम हो रहा है, रेडियस उसका डबल हो रहा है, तो 2 6 कट के 3 आएगा, 3 रूट से बाहर चला जाएगा, तो 3 रूट टाइम इंक्रीज होगी। अब इसी टाइप में आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख लेने हैं, ये वाला भी है, दूसरा ये भी, और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों से डिस्कस किए हैं। चैनल के साथ कनेक्टेड रहें ताकि इस तरह की और वीडियोज भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। और हमारे ये जो बैच है, बैच 3, इसमें बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ये बैच होने जा रहा है। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का भी प्रेशर होता है, अभी बोर्ड से पहले 2.5 मंथ में आपको फुली प्रिपेयर कर दिया जाएगा ना, NET2 के लिए, ECAT के लिए, NTS NET के लिए, फास्ट यूनिवर्सिटी जो अपना टेस्ट लेती है, और GK प्यास के लिए। तो ये आप लोगों के पास एक बहुत जबरदस्त मौका है इस बैच के अंदर फुली एंट्री टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करने का। आप लोग इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच की तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।